अनूपपुर जिले के प्राइवेट संजीवनी अस्पताल में एक गंभीर मामला सामने आया है। दरअसल यहां मृतक सुमित केवट के परिजनों ने अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और पैसे की लूट का आरोप लगाया है। बता दें कि 19 वर्षीय सुमित जो अमंगवा का निवासी था उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वहीं मृतक के परिजनों का आरोप है कि सुमित की मौत के बाद भी अस्पताल प्रबंधन ने उसे इलाज के लिए बिलासपुर ले जाने के लिए 7,000 रुपए की मांग की। दरअसल जब परिजनों ने मृतक की धड़कन चेक की तो पता चला कि उसकी मौत हो चुकी है, जिसके बाद परिजनों में हड़कंप मच गया। साथ ही अस्पताल के बाहर भीड़ इकट्ठी हो गई। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और शव को कब्जे में लेकर अनूपपुर जिला चिकित्सालय में पीएम के लिए भेज दिया। बहरहाल अब देखना होगा कि प्रशासन संजीवनी हॉस्पिटल पर क्या कार्रवाई करेगी। अनूपपुर से संवाददाता ओमकार सिंह की रिपोर्ट। अनूपपुर नगर में स्थित संजीवनी हॉस्पिटल के द्वारा थाना कोतवाली अनूपपुर में एक लिखित सूचना भेजी गई कि सुमित केवट 19 साल निवासी ग्राम अवहा को इलाज हेतु आज भर्ती कराया गया था। उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई है। उन्होंने अपनी सूचना में उसकी मृत्यु डेंगू और जॉन्डिस से होना देख लिया है। चूंकि उपचार के दौरान मृत्यु हुई है तो उसमें मर कायम करके शव को जिला चिकित्सालय में मर्सी में रखवाया गया है। रात्रि में कल डॉक्टरों की टीम से पीएम कराए जाने के बाद पीएम रिपोर्ट जैसे प्राप्त होगी उस पर आगे वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो उनको मतलब वो बाहर गया था, तबीयत खराब थी, उनको लाए यहाँ रिफर मतलब एडमिट कराया। मैं वो अपने पैरों से चल के आया, मैं बात किया है मेरे से सब कुछ और 6 बजे तक मैं फ़ोन करते हैं मेरे को कि रिफर करना है। तो रिफर करने से पहले मर गए थे कि जिंदा थे? नहीं, वो ख़त्म ही हो गया। मैं उनको इतना बोला कि सर आप मैं ले कर जाऊँगा हॉस्पिटल, वहाँ एक डॉक्टर छुएगा नर्स और बोलेगा कि ये जिंदा है तब मैं वो मानूंगा। तो बोलता है नहीं रास्ते में ख़त्म हो गया तो मैं क्या करूँगा, मतलब इसका मतलब तो मैं बोला ख़त्म ही हो गए, बता ही नहीं रहे थे।